महापर्व में हर व्यक्ति को समान अधिकार है, बात महिला की हो, पुरुष की हो या थर्ड जेंडर की। इस वक्त हम थर्ड जेंडरों के बीच में ही मौजूद हैं। उनकी क्या उम्मीदें हैं, क्या अपेक्षाएं हैं, हम पूछेंगे। आपको क्या लगता है, क्या आप लोग भी समाज का अभिन्न अंग है, अभिन्न हिस्सा माने जाते हैं? आप लोगों को अभी तक कितना सहूलतें मिली हैं और क्या उम्मीदें रखते हैं? हमें तो कोई भी सुविधा नहीं मिली है, ना गरीबों के लिए कुछ करा, ना हमारे मोहल्ले में कुछ करा है। अब इनको नेता लोग अभी इतने दिन से तो कभी आते थे, अब तो अभी तो कोई नेता भी नहीं आए देखने के लिए, कोई गरीब को या कोई किसी को भी हमसे मतलब नहीं। कोई कि हमारे मोहल्ले में कोई गरीब भी हैं, अच्छे बुरे भी लोग हैं, कभी देखने ही नहीं आते, कभी देखो नहीं करने आते। पहले तो वोट होते तो पहले चुनाव के लिए प्रचार करने भी आते थे, अब तो आजकल नेता लोग वो भी नहीं करने के लिए आते हैं। जैसा भी वो देखा जाएगा, इसको हमारा मर्जी पड़ेगा, हम उसको वोट देंगे। कल के लिए क्या तैयारियां हैं आपकी, कितने बजे निकलेंगे? अब कल होगी, जब देखे जाएगी सुबह पहुंचेंगे, जिसको देना रहेगा उसको देंगे बस। आपने तो कई दशक बिता दिए, राजनीति की बात हो या किसी भी तरह की, जमाना देखा आपने, क्या स्थिति लगती है तब में और अब में, क्या बदलाव लगा आप में और सरकार में? कोई बदलाव नहीं है, तो मोहल्ले के अंदर ना ये गलियों में ना बिजली की है, ना पानी की है, ना गलियों की है, ना नालियों की, ना किसी साफ सफाई कुछ भी नहीं है इस गली के अंदर। ना कभी नेता आवे, ना कभी पार्षद आवे, वोट मांगने आते, कार पे वोट दे, हम तो ढह गए भैया। आप लोगों के लिए बहुत सी बातें की जाती हैं, लेकिन आज भी समाज की मुख्य धारा से आप लोगों को नहीं जोड़ा गया, जो मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए वो अभी तक नहीं दी गई, क्या उम्मीद रखते हैं आप? हम कोई भी उम्मीद नहीं रखते, हम तो जो चल रहा है चल रहा है। झाड़ू है तो हम खुद अपने गली में लगाते, झाड़ू वाले आते नहीं, नाली साफ करने वाले आते नहीं इस गलियों के अंदर, ये बिजलियों का ठिकाना नहीं है, नल का परेशानी है, क्या क्या परेशानी बताए हम उस गलियों की। तो अभी तक कोई नेता आया है? कोई भी इस गली, दो नंबर गली है ये, किन्नौर गली बोलते इसको, आज समझ में आज तक ना कोई नेता आया ना कोई आया इस गली के अंदर। तो आपने देखा कि इनका दर्द सामने दिख रहा है, दर्द खुद बयां कर रहे हैं। आज भी लोकतंत्र की बात होती है, चुनाव की बात होती है, हमेशा इनकी बात की जाती है, लेकिन जब भी विकास की बात आती है तो ये वर्ग हमेशा अछूता रहता है, इन्हें हमेशा दरकिनार किया जाता है, और इन्हें फिर भी उम्मीद रहती है कि आज नहीं तो कल इनके लिए जरूर कुछ अच्छा होगा। ब्यूरो जर्नलिस्ट हनीफ खान के साथ संदीप मिश्रा, DNN न्यूज़, भोपाल।